Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है हमारा गोवा में लास्ट डे। लास्ट डे है तो मतलब हम कहीं नहीं जा रहे आज। आज हम सिर्फ होटल में हैं। और यस, इस बार फिर हमारा, इस बार क्या मतलब इसी बार हमारा साउथ गोवा जाने का प्लान वो सिर्फ प्लान ही रह गया, क्योंकि हम नहीं जा पाए ऑलरेडी। शिप का गिम्बल यूज करने का प्लान भी सिर्फ प्लान ही रह गया। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आपको जब गोवा के बारे में आप सुनते हो तो आपको लगता है अच्छा गोवा छोटी सी जगह है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है ना कि आप 4-5 दिन में भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो और साउथ गोवा यहाँ से, जहाँ हम रुके हुए नॉर्थ गोवा में, वहाँ से साउथ गोवा अराउंड 2 घंटे है बाय कार, बाय रोड, तो नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास एक ऐसी प्लेस है जो अभी हमने टच भी नहीं किया है, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वहाँ जाएंगे। फिलहाल आज हम पूरे चिल आउट के मूड में हैं, होटल में हैं। अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है हम सबका, ये देखो। इसके बाद हम आज होटल में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमें यहाँ से निकलना है, तो नींद भी ज़रूरी है, सोना भी है, आराम भी करना है। लेकिन आज लास्ट डे है तो कहीं ना कहीं तो एक लास्ट एक्टिवा पर ड्राइव तो बनती है। तो यस, देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो अभी नाश्ता कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? क्या है बोलो? कुछ नहीं। आज हमने बिठाना है, हम आपको फुटेज नहीं देने वाले। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम होटल में ही रहेंगे, चिल करेंगे, लेकिन मैडम ने अपना एक सैलून में अपॉइंटमेंट ले लिया है और वो जा रही हैं क्या, मैनीक्योर, पेडीक्योर, क्या क्या, पेडीक्योर, फुट मसाज, एंड आई विल डिसाइड व्हाट आई डू। तो अभी इनको मुझे छोड़ के आना है वहाँ पे। yes. और वहाँ पे आराम से अपना 1.5 घंटा टाइम पास करेंगी और फिर जाके मैं इनको पिक करके फिर हम लोग देखेंगे कहीं जाना है। शॉपिंग करेंगे। हाँ, शॉपिंग करेंगे। तो अभी हमने मैडम को छोड़ दिया है यहाँ पे सलून में, ही अपने आप को पैप करेंगी और 1-1.5 घंटे के बाद हम इन्हें पिक करने आएंगे, फिर हम देखेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलो गो, बाय। ये देखो इनको 1 घंटे में निकलना है, वहाँ दीपिका गई है और ये पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। ओए, उठो। उठाई हुए देखो, आँख खुली है। अरे उठो यार, निकलना है, चलो उठो। अरे निकलना है भाई, आज लास्ट डे यार, कल वापस जा रहे हैं। उठो उठो, यार कैसे कर रहे हैं लोग यार। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। चल तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी और मैडम अभी भी सलून में है। तो अभी जब तक मैं थोड़ा सा वक्त था उनको लेने जाने में, तो मैं बीच के नज़ारे ले रहा था और बस 5 बजे बुलाया था, अभी 4:50 हो रहा है, 5 मिनट में हम निकलेंगे। तो अभी घूम लिया हमने, बीच बीच के नज़ारे ले लिए हैं और ये मेरे हाथ में पैकेट है। मैडम सलून गई है और अपने शूज हमसे मंगवाए हैं, तो हम लेके जा रहे हैं। चलिए चला जाए और लास्ट डे और थोड़ा सा घूमा जाए, थोड़ा तो बनता है। तो ये आ रही हैं मैडम, सब कुछ अपने आप को पैम्पर करके। कैसा रहा? बहुत अच्छा, मैं सो गई थी बीच में। मजा आया? बहुत अच्छा। ये रहे आपके शूज। हाँ, दे दो, तो पहन लेती हूं। ले लो। पर अभी आप पहले बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? पता नहीं, अभी देखते हैं। चलो, अगर बीच जा रहे हैं तो मैं शूज पर भी नहीं, बीच नहीं जाएंगे आज। नहीं, क्यों? जाना है तो ठीक है, देखते हैं। चलो बैठो। तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊँ? बैठ जाओ, शूज नहीं पहन। ठीक है। इंडियन लेडीज़, और वो भी स्पेशली वो जिनको खाना बनाने का बहुत शौक है, अगर उनको उनके हिसाब की कोई शॉप दिख जाए तो भले वो रुके ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारी मैडम जो है, ये देखो शॉप है गोवन स्पाइसेस एंड मसाला। तो इनको ये शॉप दिख गई यहाँ पर, ये सबसे पहले रुको 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 और जाके ये आई थिंक
फिश करी एंड ये फ्राई मसाला क्या है? फ्राई वाला नहीं कहता, वो वाला दिस इज मद्रास करी सांबर मसाला खास कुकिंग. No, no, you want to add with coke. Correct. So in this and this, I need to add coke. Coke, correct. And if these two are basically for frying. Frying. What? Can I have masala in here? लेकिन आपको भी मुझ पे लखनवी कुर्ते अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे यहाँ लखनवी कुर्ते अच्छे लगे मिले. जाओ अभी आप बैठ जाओ, जब बिल देना होगा तो बुला. तो आपको तो पता है कि जब भी मैम शॉपिंग करती हूँ कितना वक्त लगता है. तो वो एज यूजुअल शॉपिंग कर रही हैं और हम ले रहे हैं चाय के मजे, एज यूजुअल वेट कर रहे हैं. क्या कर सकते हैं, कुछ तो वैसे लेने सिर्फ मसाले आई थी लेकिन उसके साथ लखनवी सूट्स दिख गए. और वो मुंबई हो या गोवा हो या लखनऊ हो या कहीं भी हो, हम सबकी वीकनेस है. तो मैंने थोड़े से सूट्स ले लिए. एंड वैसे भी मुझे ना अम्मी के लिए कुछ मिला नहीं था, तो यहाँ पे अम्मी के साइज का मुझे एक सूट मिल गया. आई होप उन्हें वो फिट हो जाए. सो अब शोएब को वहाँ पर बैठ के बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसे लुक्स दे दे कि बहुत वक्त हो गया है. तो अभी जल्दी से हम जाएंगे. चाय पी ली ना आपने? हमारी मैडम कोई ब्लंडर ना करें ऐसा हो नहीं सकता है. इनके हाथ में मैंने एक पैकेट दिया था जिसमें शूज थे और कैमरे का गोरिल्ला ट्राइपॉड था. ये मैडम कहीं भूला ही है, आई थिंक जहाँ शॉपिंग कर रही थी वहाँ भूल गई है. तो अभी हम उसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रखो बाद में लेके जाएंगे. कैसे भूल गई? मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी वहाँ पे कुर्तीज और मसाले सब देख के. जब मैं लेके दे रही थी वाटर स्पोर्ट्स वाले ने, उसने बोला मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा. छोटा सा ये परफेक्ट साइज है ये. तो आप बोल देते हो उसने भी हम खरीद लेते हैं, तो यही करते हैं. आज हम फिर वापस अपने बंटी के रेस्टोरेंट में आए हैं क्योंकि हमें वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, उसकी सर्विस और दिल का बहुत अच्छा है. तो अब देख रहे हैं बंटी है कहाँ. बंटी आई होप दिखे. बंटे बंटे आज इसकी मोहब्बत हमें फिर से यहाँ पे खींच के लेके आई है. चलो बंटी आ जाओ. रिहान के लिए शॉपिंग हो रही है यहाँ से. आई लव गोवा का स्पेगेटी. आई लव गोवा का स्पेगेटी लिया जा रहा है कल के लिए. अब कैसे बनाएगी पता नहीं. कोई शोएब की दिल से पूछो. आइसक्रीम खाना यार, मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का. सिंगल स्कूप कोन में आपको चॉको क्रीम, डबल स्कूप चॉको क्रीम कोन में. ये बिल्कुल क्या ऑर्डर किया भाई? नेचुरल आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं.
ऑर्डर बोलो ना, कभी की याद नहीं आएगी। कल मैं इंशाल्लाह कल खिलाऊंगा घर पहुंच के। तो नियत मत लगाओ। अरे नियत तो उसकी नियत लग रही है आपकी, ये तुम्हारा हमेशा काम करके गिराना, कुछ नया नहीं है समझे। इसकी स्कोर डालो। दीपिका ने अंकित ने लिया है कौन, और हमने और मैंने मतलब मैंने और अभिषेक ने लिया है एज यूजुअल टब। तो हम रूम को बैठ के आराम से खाएंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। शोएब का हिस्ट्री रिकॉर्ड है नेचुरल, हिस्ट्री रिकॉर्ड है जो भी अशु शोएब का रिकॉर्ड है कि वो नेचुरल जब भी खाते, तो जब भी रिकॉर्ड है जब भी हम खाते हैं, तो मैं आधा किलो का एक टब खाता हूं। नहीं एक नहीं दो खाते हैं। तो फ्रेशन अप हो लिया है, चेंज कर लिया है। मेरा मूड था कि मैं आराम करूंगा क्योंकि कल मुझे ड्राइव करना है फिर से पूरा दिन, लेकिन मैडम आज इतना थक गई हैं, और क्यों थक गई हैं, शॉपिंग कर करके थक गई हैं, और वो बोल रही हैं कि मुझे चाय बनाओ। तो ठीक है, रोज उन्होंने चाय भी तो पूरी मैंने की। हाँ पैकिंग भी की है, तो रोज उन्होंने चाय बना के पिलाई है हमें, तो आज ठीक है आज हम बना देते हैं चाय। चलो अभी 1000 पे है ना ये, उसको कैसे ले लूं, ये गर्म होगा नहीं, नहीं होगा नहीं। अरे दूध 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 दूध। तो ये कल टी शर्ट ली थी और सोचा था आज पहनेंगे, लेकिन आज कहीं ज्यादा जा नहीं पाए, तो ये है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको अभी पहन ले। दीपी तुम भी पहनो। यार ये बड़ा वक्त लेता है इसमें यार बॉईल होने में। पीना आसान है, बनाने में समझ में आता है। तुम क्या कर रहे हो ऐसे? लॉर्ड भाई जी निकल पाएंगे? निकलना पड़ेगा। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई बेकार है, सच तो ये I'm the best। बचा लिया, मैंने नहीं गिरने दिया। अभी दीप्ती अरे फट गया ये? नहीं नहीं तो चाहे पत्ती तो डालो। अभी क्या करना है इसमें? गैस अलग है, चाय बनाने का तरीका अलग तो नहीं होगा ना। 300 पली करेगा ना पक्का। चाय चाय गर्मा गर्म चाय, 1, 2, 3, 4 चम्मच। ठीक है अब मुझे अंदाज थोड़ी ऐसे यार, चलो 6 डाल दी। दूध नहीं, अभी दूध कितना डाला है तुमने? तो क्या तो आप बना रहे हो ना, मैं कम दूध वाली चाय पीती हूँ। 6 चम्मच भी डाल दी। 2 चम्मच वाली चाय पियेंगे। 2 चम्मच डाली भाई? नहीं मैं रखा है। अभी 1000 रुपये 600 कर दो ना। करो करो रखो तो सही। 600 पे गिरेगा? गिरेगा तो पता चल ही जाएगा। गिरेगा इसलिए मैं बोल रही हूँ ये करने की। रखो छोड़ो, दोनों हाथ छोड़ो, रखो हटो, ये ऊपर आने लगा, 300 कर दो। अच्छा इंग्लिश बाबू देसी मैम, नहीं देसी नहीं इंग्लिश मैम देसी बाबू। चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटो, हटो। चाय पत्ती बहुत कम है मेरी। तुम तो वैसे ही दूध वाली नहीं पीती हो ना? एग्जैक्टली। हाँ तो जो बचेगी उसमें पानी डालूंगा फिर चाय बनाऊंगा आपके लिए। तो पत्ती भी और डालू? बिल्कुल, तब कच्ची होगी फिर और देर तक पकाएंगे। पी लेना, 12:30 हो रहे हैं, पी लेना, उठना है, 10 बजे निकल जाएंगे। मैं बोला पहले नहीं 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 नहीं, आज 8:30 निकलना है। ऐसा तो नहीं टाइम खत्म हो गया हो? 45 मिनट का टाइम होता है, 45 मिनट से तू नहीं बना रहे। 45 मिनट था, 4:30 मिनट था। हो गया चलो पक गई। अभिषेक चाय? नहीं। अंकित चाय? मैंने तो पहले ही बोला था मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगा। अबे तो इतना दूध क्यों डाला फिर तुमने? मेरे को क्या पता, मैंने बोला सिर्फ दूध डाला, सिर्फ
पियोगे तुम सब चाय। मैं कोल्ड कॉफी बना रहा हूँ। कहाँ है छन्नी? कहाँ है? अभी बाहर जाके चाय 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 बाहर के चला। तो बोलो, पहले बोलो, पहले सच बोलो। तुम्हारे लायक नहीं है। All the best, Abhishek। वो बात जो था ना अपना। मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगा। चाय पियोगे? नहीं। नहीं चाय पियोगे? कोल्ड कॉफी। चाय पियोगे? ना। कोल्ड कॉफी। चाय पियोगे? चाय पियोगे भाई? बनाई चाय पियोगे? फेस बहुत क्लोज अप में आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ तू यहाँ ले ले, ये ले ये ले। चाय पियोगे? चाय बनाई चाय पियोगे? तो गाइस बना ली है मैंने चाय, इन लोगों ने नहीं पी, सड़े लोगों ने कोल्ड कॉफी बना के पी रहे हैं। ये है ना मेरी क्वीन, ये मेरे हाथ की चाय पी रही है। बड़ी बेकार बनी हो। नहीं अच्छी बनी। नहीं मुझे पता है कि आज की चाय बेकार बनी, इसलिए इंडक्शन में मुझे आइडिया नहीं था। एनीवेज तो ये था आज का दिन। ये हमारे ग्रुप में इतना हंसता इतना शरारती है ये। तो ये था आज का दिन, गोवा में लास्ट दिन हमारा ऑफिशियली। ये गोवा का ट्रिप खत्म ऑफिशियली। ये गोवा का ट्रिप यहाँ खत्म होता है। पहला ट्रिप था और हम सब का साथ भी था एज ए टीम हमारा एज ए टीम। और सच बोलूं तो पहले एज ब्लॉगर्स भी हमारा पहला ट्रिप था। यस एज ब्लॉगर्स आई थिंक पहला ही ट्रिप था हमारा बाय रोड इतना लंबा। करेक्ट। और अभी क्या हुआ? इंशॉर्ट हमारा बोलो बोलो। तो आज मैंने स्पेशली इस वीडियो के एंड में इन दोनों को यहाँ पे साथ में बिठाया है, क्योंकि जिस तरीके से तो आज मैंने स्पेशली इन दोनों को अपने साथ में बिठाया है वीडियो इस वीडियो के एंड में, क्योंकि सच बोलूं हमें इतना यकीन नहीं था कि गोवा के ब्लॉग्स आप सब इतना पसंद करेंगे। और शूटिंग, इनकी एडिटिंग, जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना क्रेडिट हमारा है, क्योंकि हम ज्यादा दिखते हैं, उतना ही क्रेडिट इन दोनों का है। ये अभिषेक, ये अंकित, आई एम श्योर आप जानते होंगे कि जो इनकी बिहाइंड द कैमरा जो इनकी मेहनत होती है। एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा टायरिंग शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि दिन भर हम लोग घूम घूम के चीजें शूट कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, रात में लेट आ रहे हैं, उसके बाद भी सोने नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें वो एडिट करके अनलिस्ट करके रेडी रखना है ताकि हम टाइम टू टाइम व्लॉग्स अपलोड भी कर सके। तो एज अ टीम वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक भी था। एंड इनपे कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर रहता है कि बिकॉज मोमेंट्स निकल जाते, मतलब हम प्लान करके नहीं बोलते कि अच्छा अब मैं यहाँ जा रही हूँ, अब मैं ये करने वाली हूँ, नहीं। तो वो कॉन्स्टेंटली कैमरा हाथ में रखना, वो ऑन रखना कि कभी कुछ मिस ना हो जाए, तुरंत स्पॉन्टेनियसली अगर कुछ हो रहा है तो एकदम से वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि तुरंत ऑन करके ये कैप्चर करना है भाई भाभी का। सो यू नो वो उस चीज के लिए, इसीलिए एज अ टीम हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्गली मेहनत करके काम किया है हम सब ने। एंड इसलिए आप लोगों ने ब्लॉग्स, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिले हैं, क्योंकि हमारी कोशिश शुरू से, जब से हमने ब्लॉगिंग शुरू की है, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो सबा हो या मैं हूँ, हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हम बहुत नेचुरल चीजें आपको दिखा सके जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में हैं, लेकिन उन नेचुरल चीजों को किस तरीके से बहुत ही सिनेमैटिक तौर पे दिखाना है ना, वो ये दोनों करते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा ब्लॉग्स आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, कुछ डिफरेंट भी लग रहा होगा, आप तारीफ भी करते रहते हैं कि
एडिटिंग से लेके शूटिंग से लेके म्यूजिक से लेके सब कुछ बहुत अच्छा है और इन दोनों की माशाल्लाह बहुत तारीफ होती है, तो क्या बोलना चाहोगे आप? कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये बोलूंगा, हाँ इधर इधर आके करें, हाँ इधर आओ इधर आओ, अरे कुछ तो बोलोगे, हाँ तो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपके काम को, तो क्या कुछ तो बनता है ना ऑडियंस को बोलना? बात तो सही है, बोलो संकेत बोल दे यार, दोनों इतना कैमरा कॉन्शियस है ना, इतना दोनों ज्यादा ना, मतलब दिन भर हाथ में फोन और कैमरा रहता है लेकिन उसके बाद भी सामने आने से पता नहीं क्यों ऐसा, चल बोल। अच्छा अंकित तुम बताओ, तुम बोल क्या बोलो, लाइक करे सब्सक्राइब करे, डायरेक्ट क्लोजिंग पे आ गया है। और हमने बहुत मस्ती भी की है, बहुत ज्यादा मस्ती की है, आपने मेरी एक लाफ्टर अटैक की सिर्फ जरूरत थी, पर हम लोगों का रोज ये हाल हुआ है। आपने देख लिया, यू नो क्या होता है ना कि जब आपका एक ग्रुप आपके दोस्त जो बहुत आपके खास है, जब वही आपकी पूरी एक टीम बन जाती है ना, तो काम करने में आपको मजा आता है। तो इस ट्रिप में ऐसा हुआ कि पहली बार हम इस तरीके से, अभिषेक हमारे साथ ट्रेवल किया है और अंकित का पहला ट्रिप था हमारे साथ, और अब तो बस और आते रहेंगे ऐसे। तो बस ये था गोवा का ट्रिप, कल हमें सुबह निकलना है इंशाल्लाह, कोशिश की है कि ज्यादा से आपको दिखा सके साउथ गोवा, तो हमारा साउथ मतलब जाना ही कहा बड़ी तैयारी करके गिम्बल लाए थे, गिम्बल से शूट करेंगे। प्रिपरेशन फॉर गोवा ट्रिप व्लॉग देखा है आपने? गोवा के व्लॉग्स यहाँ पे खत्म होंगे अब इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कोई नई जगह कभी प्लान हुआ तो। नहीं नहीं चुप रहो, अभी अभी मुझे मजा आने लगा, अभी हम ऐसे चला करेंगे, बाय रोड नई जगह वही टीम वही चेहरे, बस जगह नहीं होगी, आपका प्यार वही होगा, प्यार बढ़ भी सकता है। हाँ बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ना, देखिए हम भी मेहनत बढ़ाएंगे, आप भी प्यार बढ़ा दीजिए। और सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए, हम सब की मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसा प्यार देते हैं ना तो और ज्यादा हिम्मत आती है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार और अच्छे से अच्छी चीजें करनी है, इन लोग को बहुत हिम्मत मिलती है इन दोनों को कि नहीं यार अच्छे से अच्छे शूट करना है करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक, वहां बोलो यहाँ नहीं बोलो, लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब। अरे अच्छे से बोलो, लाइक कर दीजिए, घंटी भी बजा देना, बेल आइकन कर दीजिएगा और खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, ख्याल रखिएगा, जो मर्जी है वो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।